दंगल टीवी के शो जन्म जन्म का सात पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खुशी की खबर। जन्म जन्म का सात इस शो टेलीकास्ट होता है दंगल टीवी पर। इस शो का जो फर्स्ट एपिसोड वो टेलीकास्ट हुआ था 14 नवंबर 2022। इस शो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है 100 एपिसोड। तो इस शो के फैंस के लिए आगे काफी ज्यादा खुश खबर है क्योंकि आपके फेवरेट शो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है 100 एपिसोड। इस शो में हमें निकी शर्मा मेन लीड विधि के रोल में देखने को मिलती है। गौरव एस बाजादित्य में हमें आबिर के रोल में नजर आते हैं। उनके अलावा अस्मिता सूद इस शो में हमें त्रिशाला के रोल में नजर आती है। उनके अलावा रक्षंदा खान, इवा ग्रोवर, आजाद अहमद ऐसे ही बड़े बड़े कलाकार इस शो में हमें देखने को मिलती है। इस शो की भी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस शो में हमें पुनर्जन्म की कहानी देखने को मिल रही है। ए मैन एंड हिज बिलव्ड सेपरेटेड बाय अ मेलिशियस पर्सन हेट रीइनकार्नेट एंड क्रॉस पार्ट्स टू फिनिश देयर लव फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ओड्स। तो इस शो की कहानी फैंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये शो ला रही है फुल हाउस प्रोडक्शन। क्या देखते हैं आप दंगल टीवी के जन्म जन्म का सट? कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। आज से शुरू होने वाली है स्टार प्लस के मोस्ट अवेटेड शो सासनी। सासनी शो आज से टेलीकास्ट होने वाली है आपके फेवरेट चैनल स्टार प्लस पर रात के 11 बजे से। इस शो में हमें नजर आने वाली है टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार्स। जैसे हम बात करें, इस शो में नजर आने वाली है नागिन सीजन 6 फेम अमनदीप सिद्धू। इस शो में हमें मेन लीड शांतिनी के रोल में नजर आने वाली है। इस शो की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर दो बहनों की कहानी देखने को मिलेगा। एक का नाम है रोशनी, दूसरे का नाम है शांतिनी। दो बहनों के नाम से ही बनी है सासनी सीरियल। इस शो में हमें दिखाया जाएगा कैसे छोटी बहन बनेगी बड़े बहन की सास। तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है और टेलीविजन की सबसे स्पाइसीएस्ट शो भी बताया जा रहा है। इस शो को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हैं क्योंकि टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार जैसे साई किरण राव बहुत दिनों के बाद टेलीविजन के पर्दे पर फिर से वापसी कर रहे हैं। ये शो टेलीकास्ट होने वाला है रात के 11 बजे से स्टार प्लस पर। ये शो रिप्लेस कर रहा है पांड्या स्टोर को, जो रात के 11 बजे भी रीटेलीकास्ट किया जाता है। तो इस न्यू शो को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है जो आज से टेलीकास्ट होने वाला है, और रोशनी और शांतिनी की कहानी देखने के लिए आप कितना ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर सच्ची बड़ी खबरें सबसे पहले।